लोकसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी दोहरी मुसीबत में फंस गए हैं। राफेल डील में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से चौकीदार चोर है वाले बयान पर उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी को माफी मांगनी पड़ी। दूसरी तरफ केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर राहुल गांधी को नोटिस जारी कर पूछा कि उनकी ब्रिटिश नागरिकता को लेकर लगे आरोपों का सच क्या है। लेकिन राहुल गांधी को सबसे बड़ा झटका चौकीदार चोर है मामले में सुप्रीम कोर्ट से लगा। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में दायर हलफनामे की भाषा पर नाराजगी जताई। इस पर राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को मानना पड़ा कि उन्होंने जो पहले का हलफनामा दिया उसमें तीन गलतियां हुई। राहुल के वकील सिंघवी ने दलील दी थी कि मैंने खेद जताया है, ये माफी जैसा है, मैं डिक्शनरी भी दिखा सकता हूँ, मेरे बयान पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, आप जो कह रहे हैं उसे हम समझ नहीं पा रहे। जो हमने तीन चार बिंदु रखे वो ये थे। पहली बात कि राहुल गांधी बड़े स्पष्ट हैं, बड़े विनम्र हैं, बड़े साफ गोई हैं कि जहां उन्होंने गलती की वो गलती खुद उन्होंने प्रकाशित की है इस जवाब में और उसके लिए माफी मांगी है, यानी रिग्रेट कहा है। इस बीच राहुल गांधी को लेकर दूसरा मुद्दा उनकी नागरिकता को लेकर सामने आया। दरअसल बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दो बार राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर शिकायत की थी। 2017 में सुब्रमण्यम स्वामी ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि राहुल 2003 में ब्रिटेन में रजिस्टर्ड कंपनी के डायरेक्टर थे, इसमें उन्हें ब्रिटिश नागरिक बताया गया था। इसके बाद एमएचए ने राहुल गांधी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। चुनाव के बीच इस नोटिस को लेकर उठे सवाल तो राजनाथ सिंह ने इसे सामान्य प्रक्रिया बता दिया। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका जवाब देना अनिवार्य होता है। यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी मिनिस्ट्री को कोई पत्र लिखता है तो उस पत्र पर जो भी आवश्यक होता है वो कार्रवाई हर मिनिस्ट्री करती ही करती है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने इसे बकवास बताया और कहा कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी है। बड़ा बकवास मैंने जिंदगी में नहीं। क्या आपको लगता है सरकार आप क्या की है? एमएचए अब नोटिस दे रहे हैं, इतने सालों बाद ऐसा नोटिस भेजा जा रहा है। क्या हिंदुस्तान को मालूम है कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी है? पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। सामने पैदा हुआ, उनके सामने उसकी परवरिश हुई, उनके सामने वो बड़ा हुआ, सबको मालूम है। क्या बकवास। लेकिन बीजेपी राहुल पर निशाना साधने से नहीं चूकी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट मामले को खारिज कर चुका है। राहुल कौन सा सच्चा है? विच राहुल इज ओरिजिनल? राहुल लंदन वाले या राहुल लुटियंस वाले? कौन सा राहुल आखिरकार ओरिजिनल है, देशी या विदेशी? राहुल लंदन वाले या राहुल लुटियंस वाले? जिस कंपनी की वो चर्चा करते हैं, मैं उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप सबको फिर रिलीज कर रहा हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को मानने से भी इनकार करती है? इसीलिए 2015 से लेकर 14 और 15 से लेकर 2019 तक वो चुप रहे। इस सफाई के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की माफी और नागरिकता को लेकर उठा सवाल चुनावी माहौल में मुद्दा बन गया है। संजय शर्मा, दिल्ली